खुशखबरी, बिहार में अब 1.5 लाख शिक्षकों की होगी नियुक्ति, रहे तैयार। बिहार में TET पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छी खबर है। सरकार ने TET की योग्यता अवधि में विस्तार का फैसला किया है। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि TET में सफल अभ्यर्थियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक नियुक्ति का मामला लंबित है। न्यायालय के निर्णय आने के बाद बिहार में शिक्षकों के खाली करीब 1.5 लाख पदों को नियुक्ति प्रक्रिया से भरा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि TET की पात्रता अवधि 7 साल निर्धारित है। इस प्रकार वर्ष 2011 में TET में सफल अभ्यर्थियों की शिक्षक नियुक्ति की पात्रता की अवधि दिसंबर में खत्म होने वाली है। उससे TET सफल अभ्यर्थियों को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हम TET की पात्रता अवधि को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं और इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। 2016 में भी TET पास अभ्यर्थियों को भी शिक्षक नियुक्ति का इंतजार है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक नियुक्ति का मामला लंबित है और इस पर फैसला आने के बाद भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी। शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने बताया कि 2005 के बाद बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चहुमुखी विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं और जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, उसके लिए गत दिनों में दिल्ली में उपराष्ट्रपति के हाथों से बिहार सरकार को अवार्ड दिया जाएगा। राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य से उपलब्धियां हासिल हुई हैं, यह बिहार का सम्मान है। अभी बेसिक व माध्यमिक के अलावा उच्च शिक्षा में बहुत काम करना है। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग जल्द ही अस्तित्व में आएगा और कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने पर विचार भी करेगा। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। बिहार में रोजगार समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें बिहार तक।